तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मसालेदार भिंडी, जो कि बहुत ही इजी है, क्विक बनने वाली है। हमारे किचन में जो भी इजी अवेलेबल मसाले हैं उसके साथ ये सब्जी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो जाती है। इसे ज़रूर से ट्राई करिए और अगर अच्छा लगता है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ प्लीज़ इसे शेयर करिए। और अगर आपके घर पर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ये सब्जी आप ज़रूर से बनाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चैनल को अब तक फ्रेंड्स अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से करें। कढ़ाई को गरम करते हैं, हल्का ही गरम करेंगे। उसके बाद इसमें हमें बेसन को डाल के और उसे बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। तो बेसन मैंने डाल दिया है और इसे हल्का हल्का हमें ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है और इसे एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। 250 ग्राम भिंडी में मैंने 4 बड़े चम्मच यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने मूँगफली के दाने लिए हैं, मूँगफली को मैं अभी इसे भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी, तो इसे मैं माइक्रोवेव ओवन में कर लूँगी। आप इसे कढ़ाई में भी कर सकते हो। तो इसे मैंने ओवन में रखा था 1.5 मिनट के लिए और ये अच्छा खासा एकदम रोस्ट हो चुका है। तो बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हो चुका है रोस्ट, और अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी। तो बेसन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई को मैंने वापस फ्लेम पर रखा है। अभी फ्लेम का बिल्कुल मैंने फ्लेम को स्लो पर रखा हुआ है और इसे एक ड्राई कपड़े से पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें 4 बड़े चम्मच लगभग हमें ऑयल ऐड करना है। मूँगफली को चलिए दरदरा हमें पीस लेना है, बहुत ज़्यादा इसका बारीक हमें पाउडर नहीं बनाना, इसे दरदरा ही रखना है। इसके अंदर हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। तिल भी पहले से हल्का सा रोस्ट किया हुआ है, आप चाहो तो तिल को कच्चा भी ले सकते हो, पर यह हल्का सा रोस्टेड तिल है। ये देखिए, इसे इस तरह से ही रखना है, बिल्कुल दरदरा है ये। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहो तो मूंगफली के छिलके को निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे रहने दिया है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और यहाँ पे लहसुन और अदरक है जो कि कूटा हुआ है, 1 से 1.5 बड़े चम्मच के लगभग होगा कूटा हुआ अदरक और लहसुन। तो जीरा के अच्छे से चटक जाने के बाद अदरक और लहसुन को ऐड करो। ये बिल्कुल हल्का सा ही हमें भूनना है, तो ये हल्का सा इसमें भून चुका है और इसमें मैं 2 बड़े टमाटर छोटे टुकड़ों में काटे हुए हैं जो इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक इसके अंदर हमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। नमक आपको स्वाद के अनुसार रखना है। 1 बड़ा चम्मच 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक बड़ा टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, टमाटर गल जाए उतना हमें इसे तेल में पका लेना है मसालों के साथ। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो यहाँ पे टमाटर के गलने तक हमें इसे अच्छे से एकदम ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर से इस सब्ज़ी को ट्राई करिएगा घर पे। थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए टमाटर को आप इसे पूछ लीजिए, ये लगभग हो चुका है। तो मैं इसके अंदर अब भिंडी ऐड कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 250 ग्राम भिंडी है जिसे मैंने धोने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था और इस तरह से इसे एक भिंडी इस तरह से इसे मैंने बीच से काटने के बाद और लगभग 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। तो बस अभी हमारा मसाला तो रेडी हो चुका है और हम भिंडी को इसके अंदर, तो इन मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है भिंडी के साथ और 4 बड़े चम्मच में डालूंगी रोस्टेड बेसन। यहाँ पे 4 बड़े चम्मच रोस्टेड बेसन और यहाँ पे जो तिल और मूंगफली का मैंने तैयार किया था मिश्रण, उसे भी इसके अंदर ऐड करूँगी। सबको भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें चाहो तो बेशक गुड़ या चीनी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये गुजरात की भिंडी की सब्जी है और ये बहुत ही टेस्टी होती है और इसमें थोड़ा सा खट्टा तीखा मीठा वाला टेस्ट होता है, बट मैं इसमें मीठा नहीं डालूँगी। तो आप इसमें थोड़ा सा शुगर ज़रूर से ऐड करें। अभी चलिए इसे हम पकने देते हैं और उसके लिए हमें लीड किस तरह से लगानी है वो देख लेते। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम किया हुआ है। लीड लगाने के बाद यहाँ पर आपको 2 से 4 चम्मच पानी ऐड कर देना है लीड के ऊपर। उससे क्या होता है कि नीचे स्टीम से ये भिंडी चिपकती नहीं है। एक बार बीच में हमें लीड को हटा के देख लेना है और अच्छे से मिक्स कर लिए। मैंने अभी लीड को हटा दिया है और एक बार इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में अपने अंदाज से इसे चला लेना है।
थोड़ी देर के लिए इसे हमें लगभग एक मिनट और पका लेना है। जो पानी मैं प्लेट के ऊपर रखा था फ्रेंड्स, वो देखिए बिल्कुल सूख चुका है और सब्जी भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है। इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें एक बड़े चम्मच नींबू का रस ऐड कर दूँगी। आप चाहो तो अमचूर पाउडर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा टमाटर मैंने दो बड़ा लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मसालेदार भिंडी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए ज़रूर से बनाएं, उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। फिर से मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।